हेलो जी, हेलो 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 क्या जी। हाल है। मेरा ठीक है, आप सबका क्या हाल है? मैं हमारा भी बढ़िया। बढ़िया आप सबका। हाँ बस रेसिपी की वेट कर रहे हैं आपकी, बाकी तो सब बढ़िया। ओके जी, चलो रेसिपी बनाते हैं। आज बनाते हैं चिकन, बोनलेस चिकन है, और वो तरी से वाला नहीं बनाना, मसाला, सूखा चिकन मसाला। मसाला। हाँ चिकन मसाला, ओहो जैसे मैं बनाती हूँ। जब परांठों के साथ सारे बहुत खाते अच्छा हैं। बनाते हैं, जैसे सबके घरों में बनता है, लेकिन हमारे घर में ऐसे बनता है। हम ठीक अपने है घर का जी, तरीका बता रहे हैं आपको, ओके जी। ठीक है? ये मैंने ऑयल कैसे डाल बनता है लिया हमारे घर जी, में जी? ऑयल डाल लिया, ये तो ये ज़्यादा ही चिमनी चला लो, रुख। ये लो जी। चलो जी, इसमें डालिए हमने खड़े मसाले। क्या बात। आ सौंफ भी डालती हूँ मैं। ओए ओए ओए, लौंग लौंग उछल गया, बाहर आ गया। इनको थोड़ा भून लिया ऐसे हल्का इनको हल्का। थोड़ा भून लिया, इसके बाद हमने डाल दिए इसमें ये ये प्याज मैंने हाथों से काटे हैं ना प्याज। खुद, चलो है। इतने फाइन प्याज हैं। ओहो, मेरी चॉपिंग स्किल्स है। ये मैंने 3 काटे थे, लेकिन मैं 2 डालूंगी। अब हम इस मसाले इसको को पकाएंगे। पकाएंगे, हाँ भूनेंगे प्याजों को। जी, हो गए। हाँ जी, ये अभी पूरे नहीं हुए, अभी हम इसमें ओके डालेंगे जी। ये लहसुन अदरक। और इस बार हरी वाली हरी मिर्च। हरी मिर्च नहीं है, यही तो ओ बात है। कौन सा अदरक लहसुन है जो ये आपने उगाया हो घर पे? ये है धनिया, हरा धनिया। इसमें इसको मैं कूट के डालती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बाद में भी डाल लेंगे क्या बात है, इसको। अब हम अच्छी तरह भून इस लेंगे। बार रंग रूप ही बदल गए। हाँ देख, खुशबू देखा धनिया की? इसका तो मेकअप ही हो गया पूरा। हाँ, और हाँ, जो सारे खुशी। पूछते हैं ना कुकर कौन सी कंपनी का है, ये प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का, ये लिखे ये हुए इंडिया से लाई प्रेस्टीज। थी मैं, हाँ ये प्रेस्टीज का है। चलो जी, ये लो जी, क्या बात। क्या बात है। ये हो गया जी, अब हम इसमें डालेंगे ये देगी मिर्च। ये आप जानते हो जी, कड़वी नहीं है, इसलिए सिर्फ कलर वाली, कलर। रंग और रूप के लिए मेकअप है इसका ये एक। है जी दूसरी कड़वी वाली मिर्च। साथ में हमने डाल दी जी हल्दी। इनको करेंगे मिक्स। और मैंने ये कैन वाले टमाटर डालने लगी हूँ, आप फ्रेश टमाटर हैं तो वो डाल लो। तो 2 बड़े बड़े टमाटरों के जितने हैं ये, ठीक है? और ठीक है, इसी के साथ ही ये थोड़े कलर के लिए। थोड़ी सी, ये प्यूरी है मेरे पास, बिल्कुल पेस्ट, ओके जी, मैंने ये डाल दी। ठीक अगर है। तो नहीं है तो क्या वही करेंगे, बात, नहीं टेंशन नहीं डालेंगे फिर करनी, नहीं डालनी। अब इसको अच्छी तरह भूनते हैं, आते हैं। और अब ओ इसमें डाल देंगे जितनी हमें ज़रूरत है ना, उतना सफेद नमक, नमक, ठीक है जी। ये जितना हमारा चिकन है उसके हिसाब से डालेंगे नमक। और इसको अब हम अच्छी तरह भून लेंगे। ठीक है इसको जी, थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे ओके जी। सिम पे करके, ताकि ये टमाटर जो है वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। हाँ जी, ओके जी, फिर आए। फिर मिलते हैं जी। ओके जी, हाँ जी। ये लो जी, मैंने ना इसमें एक कड़छी पानी की डाली थी, इसने ना निकम्मे ने, मेरे कैमरामैन ने रिकॉर्ड ही नहीं करी, फिर उसको आँच कम करके ढक दिया था। ये देखो, जब तक तेल ना छोड़ दे बस। हाँ बस ये देखो, ये बन गया है मसाला हमारा। थोड़ा चिकन के साथ भूनेंगे तो जो थोड़ी बहुत कसर है वो उसमें निकल जाएगी। ये देखो, इसमें चिकन कब आएगा? ये आ गया। आ गया। हाँ, ये बोनलेस चिकन है, ओके, इसके पीस थोड़े छोटे कर लिए थे नॉर्मल ये चिकन थाई से। भी है हमने, ठीक हाँ, ये हमने बिल्कुल सूखा सूखा सा, आप देखना बहुत टेस्टी बनता है ये। परौंठी के साथ खाओ, वो जो पराठे ना, वो परांठा, लच्छा पराठा हो लच्छा गया, नान हो परांठा, गया, रोटी हो गई, बहुत बढ़िया बनेगा। इसको हम बस थोड़ी देर आराम आराम से भूलने, ठीक इसको भूनेंगे। है। हाँ जी, ये देखो जी, हो गया रेडी। हाँ ये इसका खाए? रंग रंग हो गया चेंज। खाए नहीं अच्छा। अभी, कहाँ। ये जो गरम मसाला है अभी थोड़ा सा डालूंगी, बाकी का बाद में डालूंगी। और यहाँ पानी डालना है। आप तो कहाँ सुखा बना रहे हो? अरे सूखा ही बनेगा, इसको पकने के लिए भी तो चाहिए, अपना पानी भी इसका निकलेगा। लेकिन इसमें हो जाएगा। चलो इसको करेंगे बंद और इसको लगवाएंगे सीटियां, ठीक सीटियां सीटियां। है जी। चलो जी,
चलो जी दिलवाएं सीटियां फिराए, सीटियां मारते हैं फिर आते हैं। चलो हाँ जी ये देखो, हाँ जी इसको मैंने चार विसल्स लगवाई हैं। ओके जी, चार विसल लगवाई हैं और उसके बाद इसको अलग चूल्हे पे रख दिया, मतलब गर्म पे भी नहीं रखा, गैस से हटा, गैस से हटा दिया और जब तक इसकी स्टीम खत्म नहीं हुई मैंने खोला नहीं। अभी आपके सामने खोल रही हूँ। बिग रिवील। हाँ बिग रिवील देखते हैं जी। ये देखो वाह जी वाह, क्या बात है, शक्ल शक्ल देखो इसकी। ओहो ये लो जी अपना अपनी लाल कड़छी। ये ओहो, ये ऐसा क्या मस्त मसाला चिकन बना। ठीक है अब हम इसमें बाकी का भी डाल देते हैं, गरम मसाला और साथ में हमने इसमें डालनी है मेथी, कसूरी मेथी। इसके बिना तो चिकन नहीं ना फिर। हाँ कसूरी मेथी और साथ में हमने डाल देना है धनिया। धनिया जी भर भर के डालो, धनिया डालने से नहीं घबराना, धनिया तो जितना भी उतना। ये देखो ये ऐसा, क्या बात है। इसको आप जिसके साथ मर्जी खाओ जी, आपकी इच्छा है रुखा ही खा लो चाहे। ठीक है अभी टेस्ट में तो हम रुखा ही खाएंगे। हाँ नहीं फुल्का बनाएंगे बाद में, अभी टेस्ट कर लेते हैं। ये लो जी ये बन गया। ये देखो अभी इस पे मैं ये डालूंगी मेरी फेवरेट। अब ये मेरी फेवरेट हो गई है जी, ये बहुत फेवरेट हो गई है। क्या तो डिजाइन शायद ना बने, अब डिजाइन तो शायद ना बने भाई, मुझे तो नहीं लगता डिजाइन बनेगा, तो नहीं बनेगा लेकिन थोड़ी थोड़ी सरसे डाल दो मिक्स कर लेंगे। क्या बात है, इतनी सी हम डालेंगे क्रीम, रुक इसको मिक्स करते हैं चम्मच से, उससे नहीं करना हमने मिक्स। क्रीम ऐसे ताजी हमने इसलिए डाली कि मलाई वाली फीलिंग, मलाई वाली फीलिंग, पकानी नहीं क्रीम, पकानी नहीं। हाँ नहीं तो हम कुकर में भी डाल के थोड़ी देर। ये देखो ओहो हो अब ना हमें वेट नहीं हो रहा, करा दो टेस्ट। रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ा सा और धनिया डाल दूँ, थोड़ी शक्ल और अच्छी हो जाएगी। चलो जी ये देखो नजारे, चलो जी अच्छा बना ना। उठाना मत यार, नहीं 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 आज नहीं उठाती मैं, ऐसी टेस्ट कर, थोड़ी ग्रेवी करा दो, थोड़ी पहले ग्रेवी। हाँ चलो जी, हाय खुशबू बड़ी सोनी है। हाँ हाँ ओहो हमने तो सारे रेस्टोरेंट फेल कर दिए, बस मानो फूक चकाई जाएगा। देख आगे देखो सच्ची, हाय है ना उबले हुए चावल होने बॉयल आया नहीं नजारा। रुक पीस अभी गर्म है नहीं तो पीस बिल्कुल। ये देखो ये देखो ऐसे कट रहे हैं, आराम से कट रहे हैं पीस। ये दे दो गर्म वाला, कोई नहीं मैं खा लूंगा ये दे दो। हाँ छोटा सा, साथ में थोड़ी सी ग्रेवी। है ना चिकन मलाई हो गया पूरा, मलाई हो गया। ये देखो शक्ल ही कितनी अच्छी लग रही है। चलो जी ये बिल्कुल इजी रेसिपी है जी। ये है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਧਨੀਆ ਔਰ ਜੀਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਘਰ 'ਚ ਚੀਜ਼, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਹੀ ਪਏ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੇ। ਕੋਈ ਬੜਾ ਇਤਨਾ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਬਸ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਬਣੀ। ਜੀਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਭੁੰਨੋ, ਲਸਣ ਅਦਰਕ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਧਨੀਆ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪੀਸ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਲੇਵਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਪਾਓ ਬਣਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁੱਕਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ, ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਓ ਕੜਾਹੀ 'ਚ, ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਖਾਓ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰਾਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬਾਏ 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 ਬਾਏ।